हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त मॉर्निंग में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए 10 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पैंट्स, 10 ऑफ पैंटेकल्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पैंटेकल्स क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ पैंटेकल्स। ओके, बॉटम में यहाँ पे 8 ऑफ पैंटेकल्स। आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। सबके ही साइंस आए यहाँ पे, नंबर 8, 4, 10, 4, 21, 6, 10, 8, 7, 2, 1, 14, 8, 8, 8, 2, 2, 2, 1, 1, 1 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 4, 4, 4 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यस, इस वक्त मॉर्निंग में आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, आपके साथ रीयूनियन भी दिल से करना चाहते हैं। अट्रैक्शन इनको आपका बहुत हो रहा है, लेकिन इनको डाउट हो रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन एंटर कर चुका है, क्योंकि आपकी तरफ से इनको ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिससे कि आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। पहले जैसे आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो और ना ही इनके लिए रो रहे हो, तरस रहे हो, कुछ भी नहीं, आपकी तरफ से वो वाली फीलिंग्स ही नहीं आ रही इनको जो कि पहले आप इनको देते थे। इनको लग रहा है कि आपका अब किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट हो चुका है, और जो कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में एंटर करते भी है, अगर ये आपके पास आते भी है, तो शायद अब आप इनकी ओर देखोगे नहीं। इनको मतलब स्ट्रांग इस तरह से फीलिंग आ रही कि मैं इसे अपनी दुनिया मानता हूँ, इसको मतलब कि इनके दिल में कभी भी कोई और जगह नहीं बना सकता, हमेशा के लिए जब तक ये जिंदा है ये आपको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ये इनको रियलाइज़ हो चुका है। और जिस वजह से बार बार जैसे कि भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान प्लीज़ चाहे जो हो जाए ऐसा कुछ मिरेकल कर दे कि मेरा पर्सन अगर इसकी ज़िंदगी में सच में कोई आया है तो उसको भी निकाल दे, और इनकी ज़िंदगी में जैसे कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिनके साथ इन्होंने शादी करी है, उसको जैसे कि अपने आप मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है वो भी अपने आप चला जाए, इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है वो भी अपने आप चला जाए, इनको कुछ ना करना पड़े, इस तरह की एनर्जी से, इसी वजह से जो कि भगवान से प्रे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन है इनके ऊपर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। करंट पे इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सच में इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, नहीं चाहते हो, जो कि किसी और थर्ड पार्टी के साथ सच में खुश हो, तो फिर ये आपको जैसे कि अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर चॉइस आपकी होने वाली है कि आप थर्ड पर्सन के साथ सच में हों, और जो कि इनके साथ रिश्ता नहीं स्टार्ट करना चाहते हों, तो फिर ये आपकी सुनेंगे और आपको जैसे कि इजीली छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हो, अगर आपकी ज़िंदगी में सच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है और उससे आपकी ज़िंदगी में आते हैं अभी करंट में, अगर आपको कॉल मैसेज करते हैं और आप अगर सच में किसी से बातें कर रहे हो और आप इनको ईजिली छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो उस थर्ड पर्सन को, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में आने के लिए रेडी है। इनको आपकी तरफ से वैसे वाइब्रेशंस मिलनी चाहिए। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, मतलब कि बातचीत हो रही है और आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, झगड़ते हैं आपसे बहुत ज़्यादा कि तू इससे बात कर रही है, उससे बात कर रही है, मुझे ऐसा फील होता है कि तू मुझे चीट कर रही है, ऐसा कुछ रीज़न देकर अगर आपसे झगड़ रहे हैं ना, तो इनको 100% जो कि आपके लिए पजेसिव बहुत ज़्यादा है, इनको मतलब ये नहीं झेल सकते कि आप किसी और के साथ बातें करें, इस तरह की एनर्जीज है। इनको कोई भी बर्दाश्त नहीं है आपका दोस्त, इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा किसी और को जगह नहीं होनी चाहिए, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, इसी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। मतलब कि
बेवजह के डाउट्स चल रहे हैं, बेवजह की जैसे कि कोई थर्ड पार्टी इमेजिनरी इन्होंने अपने आप में बना ली है, जो कि खुद किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर हमारा प्यार सच्चा था तो तुझे इस बात के ऊपर भरोसा होना चाहिए था कि मैं तुझे कभी भी दिल से छोड़ के नहीं जा सकता, अगर गया भी हूँ तो बर्डन के चलते गया हूँ, तेरे पास आऊँगा भी ये भी तुझे पता है, मैं आने वाला था तुझे ये भी पता है, थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन तू सच में किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और आपका ऐसे है कि मतलब कि शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सच में किसी से बातें नहीं कर रहे हैं और आज भी जो कि इन्हीं के लिए तरस रहे हैं, जो कि सच में मूव ऑन करने के बारे में सोच भी नहीं रहे, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया है, आपने जो कि अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के थक चुके हो, और जो कि आप बहुत हिम्मत के साथ आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अभी भी आपका दिल करता है उनको कॉल मैसेज करने का, एक्शन लेने का, लेकिन आप नहीं करते हो क्योंकि आप भी अभी डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके बैठे हो। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे, आप भी इस रिलेशनशिप में दिल से बैलेंस लाना चाहते हो, रिश्ता पहले जैसा बनाना चाहते हो, लेकिन अब मैं भी एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये कुछ नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूँ। इस रिश्ते में अगर प्यार दोनों का है, अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो दोनों की तरफ से एफर्ट्स सेम लगाने चाहिए। तो आपने अपना कर लिया है और आपको लग रहा है कि अब इसका टाइम है, इसको आना है आपके पास, इसको बताना है आपको कि ये आपसे कितना प्यार करता है और जो कि आपसे शादी करना चाहता है, आप इनसे ऐसी बातें सुनना चाहते हो, इसी वजह से बड़ी हिम्मत से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो और आप दोनों के एनर्जीज ऐसे है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हो, नहीं खोना चाहते एक दूसरे को। करंट में यही सिचुएशन है आपकी, और द मैजिशियन का कार्ड यही शो करता है कि जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था, आपको डिस्टेंस दिया था, उस थर्ड पार्टी को दिल से वो जाने के लिए मैजिक का इंतज़ार कर रहे हैं, दिल से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दिल से मैनिफेस्ट कर रहे इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालने के, और दिल से वो ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जो रूड बने हो, जो कि पहले जैसे नहीं रहे हो, केयर नहीं है आपके अंदर इनके लिए कुछ भी, जो आप दिखा नहीं रहे हो, तो ये दिल से ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले जैसे इनको केयर दिखाओ, प्यार फील कराओ, इस तरह की एनर्जी से। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो शायद इसी वजह से इन्होंने ब्लॉक करके रखा है ताकि आपको ये फील कराना चाहते हैं कि हाँ इनको भी आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसी तरह से रूढ़ हो, आप इनकी ओर देखना ही नहीं चाहते हो, तो जो कि आपका गुस्सा ऐसे ही ठीक नहीं होने वाला है, तो आपको इनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो आपसे मतलब कि डिस्टेंस बना के बैठे और नहीं बात करेंगे आपसे जब तक कि आप खुद बात नहीं करोगे। इस तरह की एनर्जीज है, मतलब कि ये सब कुछ आप ही से करवाना चाहते हैं और जिस बात के लिए आप करंट में अभी रेडी नहीं हो, इस तरह की एनर्जीज है। तो इनके दिल में बहुत कुछ है जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता रहे। करंट में भी हाई पिस्टस के एनर्जीज है, हाइड करके रख रहे हैं जो भी इनके दिल में है, जो बातें आपको जानना अभी भी ज़रूरी है, जो जानने के बाद आप जो कि इनके ऊपर जो गुस्सा हो वो गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा, आप मतलब पहले जैसे इनको समझने की कोशिश करना भी स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको बताते ही नहीं है जो भी इन्होंने हाइड करके रखा है, इस तरह की एनर्जीज है। ठीक है, तो इस वक्त मॉर्निंग में तो यही फीलिंग्स है आप दोनों की। हम देखते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या निकल के आता है। टू मैसेज द यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करंट में क्या करना चाहिए। आपका ये है कि आप इनकी इस एनर्जी से थक चुके हो, आप इनका इंतज़ार कर करके थक चुके हो, आपका अभी ना बड़ी हिम्मत, मैंने बोला आप बहुत हिम्मत लगा रहे हो इनका इंतज़ार करने के लिए, दिल करता भी अभी इनसे मूव ऑन करने का, इस तरह की एनर्जीज है आपकी। क्या एंजल गाइडेंस है मेरे यूवर्स के लिए करंट में, ट्रू मैसेज दे हमें मेरे यूवर्स के लिए, क्या एंजल गाइडेंस है इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए, एंजल गाइडेंस क्या है। टॉवर है यहाँ पे, तो एंजल गाइडेंस में टॉवर आया है, इसका मतलब यही है कि करंट में आपको जो भी राह दिखाई दे रही है जिससे लगता है आपको कि इस रास्ते पर चल कर मेरा अच्छा होने वाला है, आपको उस राह पर चलना है। टॉवर का कार्ड जो कि मतलब कि जो भी एंटर कर रहा है, जहाँ पर भी आपको हैप्पीनेस फील हो रही है वहाँ पर जाने के लिए आपको बता रहा है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग यहाँ पे, जो कि सिक्स ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है जो ये शो करता है कि आपके पार्टनर जो चाहते हैं
शायद आप करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपके पार्टनर के हिसाब से आपको चलने की कोशिश करनी होगी। जैसे वो आपसे चाहते वैसे अगर आप करोगे तो ये रिश्ता स्टार्ट होगा, नहीं तो आपको जो राह अच्छी लगे उस राह को चुनो और उस राह पर चलो, इस तरह की एनर्जी दे, ऐसे आपको एंजल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रजन की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।